हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में बिहार बोर्ड में पूछे गए पिछले 5 साल के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के ऊपर। इस सॉल्यूशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हो तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपका चलता है, लेकिन कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको चैप्टर वाइज आंसर निकाल के दे, वो भी ईयर वाइज के सॉल्यूशन में। तो इस YouTube के प्लेटफॉर्म में आपका काफ़ी डिमांड था इस वीडियो को लेकर के कि जल्दी सर केमिकल काइनेटिक्स का बनाया जाए, तो आपकी बात को ही मानकर जल्दी से इस वीडियो को रन कराया जा रहा, मतलब आंसर दिया जा रहा। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्टेड करते हैं बेटा। 2021 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड से, वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। टोटल क्वेश्चन मार्क्स है 3, 2, 5 एंड 2, टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता। अब 7 मार्क्स जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है इस सेंस में कि क्योंकि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो 70 मार्क्स में अगर 7 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 10% वेटेज होगा आपके मार्क्स का। क्लियर है? चलो गाइस, यहाँ तक तो आपने देख लिया क्वेश्चन, आपने शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो क्यों ना अब हम लोग सॉल्यूशन में बात करेंगे 1 बाय 1, लेकिन इस बार हमने पहले से आंसर बनाकर नहीं रखा है, आपको के साथ साथ हम लोग चलेंगे इसके आंसर के ऊपर। गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ रेट और रेट कॉन्स्टेंट इज द सेम। कौन से ऐसे केमिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे जिसमें रेट और रेट कॉन्स्टेंट दोनों बराबर होगा? आते हैं, हम लोग सहारा लेंगे गाइज रेट लॉ का, रेट लॉ एक्सप्रेशन का सहारा ले लेते हैं। चलो ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का सहारा ले लिए। ये क्या कहता है? सिंपल सा एक छोटा सा बात कहता है कि रेट यानी केमिकल रिएक्शन का जो रेट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन 3 तरह के हो सकते हैं, स्लो, फास्ट या मॉडरेट। तो रेट जो भी केमिकल रिएक्शन का होता है वो होता है किसके ऊपर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट लगाऊंगा, दैट इज के इनटू कंसंट्रेशन आर। और गाइस, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। एक्चुअल में आंसर 0 ऑर्डर होगा। वो कैसे? 0 ऑर्डर क्या होता है? कंसंट्रेशन का पावर जब 0 होगा तब आप उसे 0 ऑर्डर कहोगे, कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर एंड 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर। ये तो आपको क्लियर है? तो ये 0 ऑर्डर इसलिए होगा क्योंकि किसी भी डिजिट पे अगर पावर अगर आप 0 लगा देते हो एंड देयर वैल्यू इज ऑलवेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 0 ऑर्डर में हमने R^2 क्या कर दिया? 0 कर दिया, दैट इज अ कंसंट्रेशन का पावर 0 किया। अब इसमें क्या होगा कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, क्योंकि ये होल वैल्यू कितने में चेंज हो जाएगी? 1 में चेंज हो जाएगी। अब जब ये 1 में चेंज हो जाएगी, R से K से मल्टीप्लाई करे आ जाएगा, दैट इज अ रेट कांस्टेंट, तो ये दूसरे के बराबर होगा। जब ये एक दूसरे के बराबर हुआ तो ऑब्वियसली है जो यूनिट होंगे वो भी बराबर होंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज? 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होता है? बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे इस, क्योंकि इसके बाद हम लोग जस्ट अगले क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, यहां पे आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना काफी आसान है, भले आप पाउडर लगाओ या पाउडर नहीं लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें जो याद रखना है या फिर जो पॉइंट्स में हमें डिनोट करना, वो क्या डिनोट करना है? छोटी सी बात, वो ये है सम ऑफ द पावर। किसका पावर? ऑफ कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन है उसका अगर आप पावर का जोड़ कर रहे हो, जोड़कर जो वैल्यू आ रही है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A^2 x एंड B^2 गाइज y होगा। दोनों को ऐड कर दो। क्या निकालने के लिए गाइज? हमें ऑर्डर निकालना है तो हम क्या जोड़ देंगे? X+Y इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर है? मैं सवाल में क्या देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ तो रहा लेकिन कौन सा ऑर्डर? 0 ऑर्डर। एंड नाउ 0 ऑर्डर रिएक्शन कब होगा? जब इसमें पावर का जोड़ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए। कैसे? यहां देखो A^2 क्या है गाइस? 0 एंड B^2 भी क्या है? 0। और 0 0 को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो बन गया आपका क्या? 0 ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसमें चल रहे हो तो 1+0
वन आएगा ना ऑर्डर, यहाँ पे जीरो प्लस वन तब भी वन ही आ जाएगा और नन ऑफ दिस ऑप्शन है ही नहीं, आंसर क्या हो गया आपका ए, क्लियर है। चलो ऑर्डर ऑपरेशन भी साथ साथ आप सीख लिए और निकालना भी सीख लिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। चलो मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा गाइस, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, आंसर आपका बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कहता है रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या दिया है, रेट कॉन्स्टेंट दिया है और हमें निकालना है इसमें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम पीरियड का एक कैलकुलेशन आप याद रखना, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट डिवाइडेड बाय लेफ्ट कंसंट्रेशन दैट इज आर। यही डेरिवेशन है जिससे आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, वो भी किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें इस 5 साल में जिसमें इस फॉर्मूले की जरूरत हमेशा पड़ेगी। आपसे पूछ रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, आप हाफ लाइफ टाइम पीरियड बताइए, मतलब टी हाफ बताइए। गाइज मैं अगर बात करता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 वैल्यू किसका पुट अप कर दें, के का, और के की वैल्यू दी गई है 7 मिनट में, तो हम इसे सेकंड में चेंज कर दें। चलो 0.0005 क्या दिया गया है मिनट में, तो मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मिनट किसमें चेंज हो जाएगा, पर सेकंड में। ऐसा क्यों, आपको पता है टाइम कैसा यूनिट क्या है, सेकंड, तो मैंने इसे सेकंड में चेंज कर दिया। जस्ट आफ्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 6×5=30, मतलब हो जाएगा 0.03 पर सेकंड, दिस इज टाइम किसका, ये बेटा आंसर आपका आने वाला है टाइम को लेकर के, लेकिन अभी आपने इसको चेंज कर दिया किस में, सेकंड में, किसको, मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, यानी के के की वैल्यू हो गई और के की वैल्यू अगर मैं पुट अप करता हूं तो ये होगा 0.03 पर सेकंड। आगे गाइस आप डेरिवेशन देख रहे हो लॉग, ये इनिशियल कंसंट्रेशन बताता और ये लेफ्ट कंसंट्रेशन बताता, अब इस दोनों की वैल्यू क्या होगी, आप इस बात से सोचकर निकालो। टी हाफ, मैं अगर किसी भी चीज को 500 ले रहा हूं तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, जस्ट आप इसको हाफ को क्या बोलोगे, 250। चलो थोड़ा कम यूनिट ले लेते हैं, अगर आप बाय द वे सोच रहे हो कि इनिशियल आपने 100 लिया तो इसका हाफ बता दे बच्चा, इसका हाफ कितना होगा 50, तो जस्ट हाफ इन द सेंस कि कट कर 2 आ जाए, मतलब ओवरऑल लॉग का मान क्या होगा, 2 होगा। आप जितना बड़ा वैल्यू लेना चाहते हो, जितना छोटा वैल्यू लेना चाहते हो, सर हम 1000 लेना चाहते हैं, बेटा 5000 ले ले। ये बता कि 1000 तो ले लिया लेकिन 1000 का हाफ क्या हो जाएगा, 1000 का हाफ 500 होगा और ये कटेगा तो ऑलवेज लॉग की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, और लॉग की वैल्यू 2 रहेगी तो जस्ट आप सोच लो टी हाफ इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, 2.303 बाई 0.03। अब इस log 2 की वैल्यू को अगर मैं पुट अप करता हूं तो हो जाएगा 0.301, लेकिन 0.3 तक भी काम चल जाएगा। ये गाइस 1 times का था तो ये 10 times, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दे आपका टाइम निकल गया, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 23.03 क्या सेकंड, इतना हाफ लाइफ टाइम पीरियड है इस क्वेश्चन के आंसर का। यहां तक गाइस क्वेश्चन क्लियर है, आप आराम से इसको नोट करेंगे और नोट करके हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के बाद अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं और 2021 का ये 4 questions पूछा गया, चारों क्वेश्चन आप समझ बूझ करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में आपको जवाब देने तो हैं लेकिन क्या चीज़ कर करके डेरिवेशन एक्सप्रेस्ड करना है इसमें। जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ना, क्या फॉर्मूला लिखा था, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्ट कंसंट्रेशन, इसे ही हम लोग प्रूव्ड करेंगे। क्वेश्चन कहता है डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन आपको बनाना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बात समझ लो, सिंपल सा बात है कि रिएक्टेंट किसमें चेंज होगा, ऑलवेज चेंज इनटू द प्रोडक्ट, क्लियर। मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन सा ऑर्डर है हमारे लिए, ऑर्डर 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 फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। तो ऐसे केस में आप रेट के लिए लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ऑलवेज कंसंट्रेशन हमेशा घटता है इसलिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट को दूसरे लॉ से अगर मैं लिखता हूं तो लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर 1, यहां भी पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1 नहीं भी आप लगाते हो
तो इसमें कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। ये वन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसलिए आर टू दी पावर क्या मानेंगे, वन मानेंगे। आगे मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा गाइज, रेट इज इक्वल टू के और क्या आर। ये एक्सप्रेशन किसको एक्सप्रेस कर रहा, रेड को, और ये भी एक्सप्रेशन किसे एक्सप्रेस कर रहा, रेड को। तो दोनों एक दूसरे से बराबर है, रेट बराबर किसके होगा, रेड के। तो आप कह सकते हो कि एक रेट बराबर होगा दूसरे रेट के, रेट रेट के बराबर होगा। तो एक रेट आपका आ रहा है माइनस डी आर बाई डी टी, जो बराबर होगा रेट के, किस रेट के बराबर होगा, के इंटू आर। सही है, एक काम करते हैं इस माइनस को और dt को उधर डाल देते हैं, r इधर आ जाएगा तो आपका डेरिवेशन बन जाएगा dr by dt is equal to minus k, एक मिनट k dt उधर चला गया ना, k into dt, यहां तक डेरिवेशन बन गया। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं। तो लेकिन बोर्ड काफी छोटा सा है, इससे ज्यादा आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो एक काम करेंगे आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड सेकंड वे में हम इंटीग्रेशन इसका निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए गाइस, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अगले डेरिवेशन पे बात करेंगे, और अगला डेरिवेशन कहता है कि इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। और जैसे गाइस इंटीग्रेशन लेते हैं, आप देखोगे ये इंटीग्रेशन लेने के बाद, एक मिनट डी आर इसको इधर डाल दिए थे ना हम, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, और डी टी को उठा के इधर डाल दिए थे, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग जल्दी में, हो गया। चलो अब बात करते हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा माइनस के इंटू डी टी। और ऐसे केस में हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ln of r is equal to minus k, differences हट जाएगा t, plus क्या हो जाएगा i, i क्या है यहाँ पे सर, तो कह सकते हैं where i is integrated constant, i is integrated constant, सही है। ये यहां तक का कहानी खत्म हो गया, इसको derivation वन मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको डेरिवेशन मन मानते हैं, अब इसके आगे चलने का हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमने इंटीग्रेशन निकाला इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इस वैल्यू पे अगर बात करते हैं तो गाइज रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा, प्रोडक्ट में। अगर आप टी नॉट टाइम पे बात करो, मतलब अभी जस्ट आपने रिएक्टेंट को मिलाया है, जस्ट मिलाया है, दैट इज अ टी नॉट टाइम, एक सेकंड के बाद वो टी वन टाइम पे चला जाएगा, टी टू टाइम, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब इनिशियल टाइम में आपने मिलाया है तो इनिशियल टाइम में इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 100, और प्रोडक्ट का क्या, जीरो, भले थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाए, लेकिन दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में कौन सा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर होगा किसके, कंसंट्रेशन के। कैसे सर, ये दोनों कैसे बराबर हो गया, बेटा टी नॉट टाइम पे दोनों एक दूसरे के बराबर होगा किसके, आर नॉट बराबर होगा किसके, आर के। ऐसे ही केस में अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं, क्या कि अगर t इज इक्वल टू आप क्या मान रहे हो, जीरो टाइम पे, तो आपको यह याद रखना होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर होगा किसके, फाइनल कंसंट्रेशन के, क्योंकि भैया इनिशियल कंसंट्रेशन भी वही है, फाइनल कंसंट्रेशन भी वही है, किस टाइम पे, टी नॉट टाइम पे। तो ऐसे केस में r बराबर होगा किसके, r नॉट के। तो अगर मैं इस जगह पे वैल्यू पुटअप कर दूं r की, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r नॉट, बस इतना सा चेंज करना है। तो आप लिखोगे ln r नॉट, जो बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के टी प्लस आई। सही है, टाइम को आप क्या मान करके चल रहे हो इस इक्वेशन में, अगर आप टाइम की तरफ फोकस करते हो तो टाइम मेरा क्या है, जीरो है, एंड नाउ वी पुट दीज जीरो वैल्यू ऑन दीज इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में मैं इस टी का मान पुटअप करता हूं तो यहां हो जाता है ln ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू, ये टी डाल देंगे वैल्यू, और टी की वैल्यू हम यहां से उठा रहे हैं, टी की वैल्यू है जीरो, और प्लस क्या हो जाएगा आई, ये पूरा होल क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, जीरो। एंड नाउ हम कह सकते हैं ln ऑफ आर नॉट बराबर होगा किसके, आई। तो इंटीग्रेटेड जो कॉन्स्टेंट आपका आ रहा है इसमें, वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, ln of r0 के बराबर, लेकिन ये याद रहे इनिशियल टाइम पे,
दैट इज टी नॉट पे ही। जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं तो भैया पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो चलो पुट करते हैं। पुट द वैल्यू किस में करते हैं बाबू? इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट ये आपको दिख रहा है। जैसे उस वैल्यू को, आई की वैल्यू को मैं यहां पुटअप करता हूं तो हमारे पास बनता है एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू टी प्लस, आई की जगह पे आप क्या डाल दोगे? आई की जगह पे डाल देना है एल एन ऑफ आर नॉट, क्योंकि हमने प्रूव्ड कर दिया कि एल एन आर नॉट बराबर किसके है? आई के। जस्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे के निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में, ध्यान देना, जस्ट उधर जाएगा तो वन अपॉन टी ln of r into r naught, तो ऐसे को आप क्या कह सकते हो? ln किस टर्म में डाल सकते हो? r naught divided by r, that is the initial concentration. और बेटा ये ln 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 जो बक रहा है ना, ये ln आपका एक्सप्रेस कर रहा है एंटी लॉग को, और एंटी लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन आप याद रखेंगे जो होता है 2.303, ठीक है। तो जैसे हम इस 2.303 को मैं पुटअप करता हूं तो हो जाएगा k is equal to जो भी टाइम हो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हो जाएगा गाइस 2.303 बाय टी, एलन चेंज हो जाएगा किस में? लॉग में, और ये हो जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। क्लियर हो गया? अब यही एक्सचेंज हो सकता है, टाइम भी हो सकता है और ये के भी हो सकता है। जो भी हो, डेरिवेशन जो अभी हमने पहले इससे पहले रख करके क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी डेरिवेशन से सॉल्व किया था। के इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम, बस इतना सा अंतर है। यही डेरिवेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इससे आपका मार्क्स पूरा बन गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि हम लोग जस्ट इसके आगे भी बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हमारे पास बारी आएगी 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप भी सॉल्व करोगे, हम भी सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं बोर्ड के पास से। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 2020 का, तो आपके सामने दिख रहा है T50 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी यहाँ जरूरत पड़ने वाली है आपको किसकी? जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड एनी सबस्टांस, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा इस बात को समझ लेना। T50 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना 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 इतना, कितना बाबू? आपसे T50 पूछा जा रहा, तो ये बताओ कि T50 या T½ लिखे, बात बराबर है। इज इक्वल टू, अभी मैंने सॉल्व किया था 2.303 बाय के लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 100 और लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना 50। कैसे आप ये कह सकते हो? बिकॉज इट्स अ हाफ लाइफ टाइम पीरियड। T50 मतलब आधा हो जाना, आधा हो जाना। 100 भी आप मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, 500 भी मान सकते हो, लेकिन जब भी उसका हाफ होगा लॉग 2 का मान आएगा। अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा? 2.303 बाई के, और यहां पर अगर मैं काट रहा हूं तो वैल्यू आ रही है लॉग 2 की, और लॉग 2 की वैल्यू क्या हो जाती है? लॉग 2 की वैल्यू होती है 2.303 बाई के, और लॉग 2 का मान होगा 0.301, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 को, चलो 0.3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना भी चल जाएगा। 3 3 9 0 9 और 3 2 6, सॉरी डेसिमल गलत जगह पे लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आएगा यहाँ पे 6 1 2 3, 0.690, मतलब हमारा आंसर आ रहा 0.6909 डिवाइडेड बाय के। ऐसा तो कहीं नहीं मैच कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू को ही हम लोग मैच करा लेते हैं। हो सकता है गलती से मिस्टेक क्वेश्चंस में हो गया होगा, तो इसके अलावा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इसको मान करके चलेंगे जिसकी वैल्यू होगी आंसर बी, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे भी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। हो गया गाइस, चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कहता है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। सिंपल सा बात है, और सिंपल सा बात क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं द राइट आंसर इज एक्टिव मास। एक्टिव मास पे ये डिपेंड करेगा, कैसे? क्योंकि मैंने कहा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा एक्टिव मास। ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें आपको माइंड में भी रखनी पड़ती है, हर चीज यादना या रटना या याद करना नहीं होता, कुछ चीजें आपको समझ करके भी सॉल्व करनी रहेगी। दोबारा जब यही क्वेश्चन आएगा तो आप फट से आंसर दोगे। आगे आते हैं,
इसको इरेज कर देते हैं गाइस, आंसर तो आपने उतार ही लिया होगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन के साथ आंसर भी, ठीक है। चलो हमें कह रहा, सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, पहले पैटर्न, और दूसरे पैटर्न ये कह रहे हैं हाउ विल यू नो दैट द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आप कैसे कह सकते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस है। मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया, आपको याद होगा क्या एक्सप्लेन किया था, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, किसका सम, किसका पावर का, किसके पावर का, कंसंट्रेशन के पावर का, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही डिफिनेशन आपको लिखना है, क्या लिखना है डिफिनेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2 और इन द फ्रैक्शंस, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है, किसकी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। एक बात मैं और बता दूं, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ना कि थ्योरेटिकल, इन द सेंस कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप 0 जो पावर देखते हो ये क्या बताने का कोशिश कर रहा गाइस, 0 ऑर्डर रिएक्शन ये बताता है कि रेट जो है केमिकल रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, तभी उसे आप 0 ऑर्डर कह सकते हो। मान के चलो कंसंट्रेशन आपने 10 लिया, कितना कंसंट्रेशन लिया 10, इसको इरेज करके मैं डाल रहा हूं यहां पे 10 to the power 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगला, उसी में अगर मैं बात करता हूं रेट कंसंट्रेशन और बढ़ा दो, कितना कंसंट्रेशन ले लो 100 to the power 0, वैल्यू क्या रहेगी 1, मतलब कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो कंसंट्रेशन घटा दो, घटा करके देखें तो चलता है गाइस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0.1 to the power 0, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, किसी भी परिस्थिति में चाहे कम कर दो या ज्यादा कर दो वैल्यू हमेशा वही रहेगी, किसकी वैल्यू वही रहेगी रेट की। मतलब मैं कह सकता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा बात नहीं है। आप खुद सोचो कि इस जगह पे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेके चल रहे हो तो ऐसा नहीं होने जा रहा, कम कंसंट्रेशन है रेट इसका 0.1 आएगा, कंसंट्रेशन उससे ज्यादा रेट 10 आएगा, रेट क्या जाएगा 100 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जो रेट पर निर्भर करता हो, सॉरी कंसंट्रेशन पे निर्भर करता हो, क्या रेट उस केमिकल रिएक्शन का, वैसे रिएक्शन को आप कहते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ऐसे रिएक्शन को आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लगभग बातें मैंने समझा दी जो आपके स्क्रीन में समझ में आ रहा है या फिर दिख रहा है, उतना सा ही बात आपको जानना है, डिफाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां सिंपल सा है द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर की जो वैल्यू हो सकती है वो आपको याद रखना है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और इवन फ्रैक्शन में भी जा सकती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमें डिनोट करना, फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या कह सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a to the power क्या 1, इन द सेंस की कंसंट्रेशन आप जैसे बढ़ाओगे केमिकल रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन जैसे घटाओगे केमिकल रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज करेगा। यहां तक कहानी खत्म, चलो स्क्रीन शॉट लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर के साथ। 2020 का ये सारे क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही क्वेश्चन पूछा था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन कह रहा एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक मिनट गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा कहता फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बताओ कि अगर 2021 में अगर कोई बंदा एग्जाम दे रहा है और ये क्वेश्चन को वो पढ़ के गया तो क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा? अगर ये 5 ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और ये रिपीट क्या कर रहा। चलो यहां तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे, ये बताओ कि सबसे पहले कि अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप कह दोगे क्या, कह दोगे सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन हो सकता है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसका रेट भी उसी अकॉर्डिंग से बढ़ेगा। क्लियर है गाइस? चलो
इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको वही चीज समझाया, कुछ ऑर्डर दूसरे टाइप का ऑर्डर नहीं है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला था फर्स्ट ऑर्डर का, फाइनल क्या आया था मैं बता देता हूं आपको। फाइनल जो आपका आया था इसका, वो आया था t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और क्या लेफ्ट कंसंट्रेशन। इसको हम लोगों ने प्रूव्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट मारने का है, लेकिन बेटा मार्क्स देख रहे हो, मार्क्स कितना है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे क्योंकि इससे पहले यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए वही क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा गया। चलिए चलो, जस्ट आफ्टर 2019 का तो दोनों क्वेश्चन रिपीटेड रह गया। अब देखते हैं आगे 2018 के क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने है, पहले आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये फोटो वाला जो होने के वजह से ये काफी ज्यादा जगह ले लिया। अगले क्वेश्चन का हो गया, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, 2018 में क्वेश्चंस का। वन बाय वन अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहा विच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। देख बाबू, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, आप तो घुल मिल गए हो, आप मेरी बात समझ में आ जा रही होगी, भले आप इसको पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डजंट मैटर, अब बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूं बाबू किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, ए इज द कंसंट्रेशन टू द पावर क्या है, जीरो। आप कंसंट्रेशन जितना बढ़ाना बढ़ा लो, रेट आपका बढ़ने वाला नहीं है, ये क्लियर। जीरो ऑर्डर के बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या कह सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर क्या, वन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जितना बढ़ाना बढ़ा दो, कंसंट्रेशन जितना घटाना घटा दो, वो रेट कांस्टेंट बना रहेगा, क्लियर। तो चलो अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर। कहता है विच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो आंसर ये है, सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि ये जो लाइन आपको यहां पे दिख रहा है ये रेट को एक्सप्रेस कर रहा, और ये जो लाइन साइड में आपको दिख रहा है दैट इज अ कंसंट्रेशन, और ये जो है वो क्या है, टाइम। अब तीनों चीज को आप देख लो, टाइम बढ़ रहा, कंसंट्रेशन बढ़े या घटे रेट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन भाई दूसरे रिएक्शन पे भी अगर बात करते हैं कि सर दूसरा वाला क्यों नहीं, तो बाबू यहां पे देखो ये क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन जब आपका कम रहेगा तो रेट भी कम रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, तो ये किसका सिंबल हो सकता, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि कंसंट्रेशन जैसे बढ़ रहा रेट भी इंक्रीज कर रहा, लेकिन कांस्टेंट बना हुआ, कौन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जितना बढ़ाना बढ़ा लो, सपोज दैट ए का कंसंट्रेशन आप ले लो 0.1 टू दी पावर 0, ऑर्डर ही ना होगा। अगर आपने 10 ले लिया टू दी पावर 0, 100 ले लिया टू दी पावर क्या 0, तब भी रेट क्या रहेगा, 1, 1, 1, रेट इज नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। तो ये क्या रह जाएगा, ये लाइन चलेगा, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा इस, इसके बाद मैं भी स्क्रीनशॉट लूंगा आपके इस क्वेश्चन का। चलो 2018 के अगले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं गाइस। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ dx by dt is equal to k h plus rate become 100 times when pH change from 2 to 1 the order of reactions is। अब एक बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, pH के वैल्यू से एक मान को याद रखना। अगर pH मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 है, तो याद रखना कि h plus का कंसंट्रेशन, h plus का कंसंट्रेशन है 10^-1। अगर मैं कहूं कि मेरे पास पीएच जो है वो 8 है, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो 10^-8 है। अब जवाब दे दे बेटा कि पीएच अगर मैं कहूं कि 12 है, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा, 10^12 को देखकर आप कह सकते हो -12, दैट इज ऑल्सो कंसंट्रेशन। यहां पर जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल को समझिए और ऑर्डर निकाल दीजिए, एकदम आसान। आपका कह रहा है कि कंसंट्रेशन में पीएच चेंज हो रहा 2 से 1, पीएच चेंज हो रहा मतलब पहले पीएच कितना था 2, और बाद में आपका पीएच कितना हो जा रहा, बाद में आपका पीएच हो जा रहा 1,
मतलब जब पीएस टू था तो एच प्लस का कंसंट्रेशन था क्या 10^-2, और वही चेंज हो जा रहा एच प्लस का कंसंट्रेशन किस में 10^-1 में, यानी -2 से -1 में चेंज हो रहा है। डिफरेंसेस कितने का आ रहा, 10 का आ रहा, कितने का कंसंट्रेशन जो डिफरेंस आ रहा वो 10 का आ रहा। हाँ या ना बाबू, ये 10^-2 इतना था पहले और वो चेंज हो रहा 10^-10 में, तो बाबू 10^-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, तो चेंजेस जो आ रहा वो कितना आ रहा 10 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहा, भैया कंसंट्रेशन 10 हो रहा, अगर ये 0 होता तो 1 टाइम इंक्रीज करता, सेम रहता, और अगर ये 0 ऑर्डर नहीं होता, मान के चलो कि मैं कहूं कि भैया 0 ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो 10 ही टाइम इंक्रीज करता ना। लेकिन ये कितना टाइम इंक्रीज कर रहा, 100 टाइम्स, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये 2 लगेगा तभी ना 100 आएगा, और अगर इसके ऊपर आपने 2 लगा दिया तो हंसी खुशी से बोलो ऑर्डर क्या हो गया, आराम से ऑर्डर 2 हो गया, आंसर सेम। मेरी बात फिर से सुनना, हो सकता थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो क्योंकि बड़ा फास्ट हमने बोल दिया, मुझे लगा कि आप सीख गए और सच में आप सीख गए हो, डजंट मैटर, मैं जान रहा हूं। लेकिन अब फिर से एक बार बात सुन ले, कंसंट्रेशन और पीएच का एक सबसे बड़ा रोल होता है, जितना पीएच होगा कंसंट्रेशन उसका एच प्लस टू दी पावर उतना बन जाएगा, सिंपल सा बात। यहां पे पीएच कह रहा 2 से 1 हो रहा, सही है, पीएच पहले कितना था 2, बाद में कितना हो गया 1, तो 2 का मतलब 10^-2 किसका कंसंट्रेशन एच प्लस का, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया 10^-1 में, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा, कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा 10 का। लेकिन कह रहा कि कंसंट्रेशन में चेंज 10 का हो रहा लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो बदलाव हो रहा वो 100 टाइम्स हो रहा। अगर आप इसको 0 ऑर्डर मानते तो रेट कांस्टेंट में चेंजेस 100 टाइम्स नहीं होता, जो पहले था रिएक्शन वही भी अभी भी रहता। फर्स्ट ऑर्डर मानते तो 10 टाइम्स बढ़ाना कंसंट्रेशन, तो 10 टाइम्स बढ़ा तो रेट भी 10 टाइम्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन 10 टाइम्स की बजाय ये 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहा, तो ऑब्वियसली ये पावर कितना रहा होगा 2 रहा होगा, और अगर पावर 2 है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका ले लिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। इसके बाद क्वेश्चन दिखने में सिर्फ खतरनाक लग रहा है, आंसर इसका बड़ा आसान सा हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऊपर ध्यान नहीं देना, ऊपर ध्यान नहीं देना है कि रिएक्शंस में क्या हो रहे हैं, बस ये याद रखना है कि कोई रिएक्शंस हो रहा। कहता हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 मिनट, टाइम कितना दे रहा 10 मिनट, सॉरी टाइम आपका गाइस 10 मिनट दे रहा, तो ये 10 मिनट हम निकाल लेते हैं, हमें टाइम चाहिए 10 मिनट, तो सर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, रहने दे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सब में 10 दिया हुआ, इसलिए सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, आगे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस 10 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीशन दिस रिएक्शन 100 लीटर ले लोटा, क्या हो रहा N2 गैस जो भी है उसमें कह रहा कि 10 लीटर और इसके कंप्लीट होने के बाद ये कितना हो रहा 100 लीटर, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन मिनट्स यूनिट, आपको किसमें लिखना है मिनट्स यूनिट में। आप एक काम करो थोड़ा ट्राई करो, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आपका मेरा आंसर मैच करता है या नहीं, वीडियो को पॉज करो आंसर बनो, वीडियो को पॉज से हटाया जाए गाइस, चलो इतनी ही देर वीडियो को पॉज करना था, अब आपका आंसर बन गया होगा। कैसे देखा जाए, आपको टाइम के बेसिस पे निकालना, तो k निकालना ना, यहाँ पे आप रखोगे k = 2.303/time और log हो जाएगा, लॉग में कंसंट्रेशन कह रहा है 100 लीटर और ये 10 लीटर, तो आप कह सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, लेफ्ट कितना रहा 10 रहा, और टाइम भी आपका दिया हुआ 10 मिनट में ही निकालने के लिए कह रहा, तो 10 रहने दें और ये कट के क्या जाएगा लॉग 10, लॉग 10 का मान होता है गाइस 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो के का मान यही रह जाएगा, क्या रह जाएगा k = 2.303/10, ठीक है, तो आपका आंसर बन गया ए। क्लियर है, कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहा अब उसको कंसिडर करेंगे, टाइम या फिर के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी, जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी तो आपका क्या निकल जाएगा के, और के की वैल्यू दी रहेगी तो टाइम निकल जाएगा, यहां पे जो हमसे निकालना था वो के निकालना था, ठीक है, नोट कर ले बच्चा इसको, चलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, कहता हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आसान सा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन बार बार पूछ रहा, फिर से आप क्या करोगे वही वीडियो को पॉज करोगे, आंसर बनाने का कोशिश करना, फिर मिलाते हैं जल्दी में, योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक।
टिक 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 टिक, टाइम खत्म गाइस। वीडियो को पॉज करना था, एक्चुअल में आंसर बनाना था और आपसे आंसर बन गया होगा, एक बार मिला लिया जाए शॉर्टकट में। क्या कहता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, मतलब टी हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, मतलब टाइम दिया हुआ आपके पास, टी हाफ कितना मिनट है 10 मिनट, तो इसमें क्या निकालना है, ऑब्वियसली रेट कॉन्स्टेंट निकालना होगा। चलो रेट कॉन्स्टेंट के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड है तो बताओ, अब बार बार बोले हम लॉग कितना आएगा इसमें, हमेशा 2 आएगा, तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 2.303 और बेटा टाइम कितना दिया हुआ, मिनट, मिनट में ही निकाल देना, मिनट में ही ना कह रहा, चलो मिनट में ही निकालते हैं। लॉग 2 का मान कितना हो जाएगा 0.301, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के इज इक्वल टू 2.303 और डिवाइडेड बाय 0.3 कर देते हैं, तो 3309 और ये हो जाएगा 3 2 6 0.690, ये आपका आ रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जिसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 0.06909। क्लियर है, चलो ये आ गया आपका क्या, रेट कांस्टेंट, ये बेटा यूनिट मिनट में है तो मिनट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। आप सेकंड में भी ला सकते हो, कैसे, ये जो मिनट दिया हुआ है इसको किस में चेंज कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड में आ जाएगा, तो सेकंड वाला भी आंसर आपके पास आ सकता। क्लियर है, चलो 2018 का ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। 2018 के बाद ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको कह रहा है डिस्क्राइब द काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाई द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीटेड। ध्यान देना, सिंपल सा बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो, बूझते हो, समझते हो, ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने क्या कहा था कि वैसा रिएक्शन जिसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा, घटाने पे रेट घटेगा, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वही आपसे कह रहा कि डिस्क्राइब करना है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट इज लीनियरली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। पहली बात तो यही लिखी गई जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। उसके बाद कहता ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे निर्भर हो, इसीलिए तो फर्स्ट ऑर्डर कहला रहा। कहता है इन अदर वर्ड अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, उसी को दूसरे बेसिस पे कह रहे हैं, इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट वेरीज बेस्ड ऑन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट। एग्जांपल पेरोक्साइड दिख रहा, कितना है ये, एक है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है पेरोक्साइड, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यही एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके दो मॉलिक्यूल बना दे, चार भी बना दे, उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि सारा रेट इसी पे निर्भर करेगा, इसी के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज द रेट ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मीडियम। सो एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसिक्वेंटली रेट डिक्रीज व्हेन द वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्शंस इज लेफ्ट थ्योरेटिकली रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन बट अ वेरी स्लोअर रेट दैट्स व्हाई लेस टाइप ऑफ द रिएक्शन नेवर अचीव कम। ये सर क्या कह दिया गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां पर मैंने कहा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। ये कैसे, अभी जो मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा और खोल करके समझना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने पेरोक्साइड लिया था, मैंने भी पेरोक्साइड लिया और ये पेरोक्साइड टूट रहा H2O में और किसमें, ओ ओ टू कर देते हैं बेटा, यहां हाफ कर देते हैं, चलो चलेगा। ये जो पेरोक्साइड आपको दिख रहा ना, पहले आपने लिया होगा 100, थोड़ी देर के बाद ये और कम हुआ होगा, 100 से हो गया 90, फिर थोड़ी देर के बाद और कम हो गया होगा इसका कंसंट्रेशन 80, थोड़ी देर के बाद और कम हो गया होगा, सर और कम डायरेक्ट लिखिए ना, इतना घूम घूम के क्या लिखना है, 40 30 20 और 10, क्या सबका रेट वही रहा होगा। आप कह रहे हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ रेट ज्यादा होगा, लेकिन वही अगर कंसंट्रेशन घट गया तो क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 10 to the power क्या 1, रेट यहां ज्यादा, यहां रेट, पहले कंसंट्रेशन में रेट बहुत तेजी से रिएक्शन होगा,
फिर और कम 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 कम, बेटा एक भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा तब भी इसका रेट कुछ ना कुछ होगा, और घटेगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.1, और कम हो जाएगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रहा। नो डाउट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है। पहले रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, फिर धीरे 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 लास्टली आकर के इसका क्या बचेगा, 0.001, तब भी बेटा कंसंट्रेशन बचेगा ना, रेट क्या हो जाएगा जस्ट और कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ये मानना रहता है थ्योरेटिकली हमें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जितना वो कंप्लीट करता जाएगा उसका रेट स्लो होता जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है? चलो थ्योरेटिकल बात इतना ही रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस। चले आगे, 2018 के बाद अगली बारी हमारी आएगी 2017 की, तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर लेता हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप जान रहे हो, नन्हे मुन्ने की तरह जवाब दिया जाए क्या होगा गाइस, एटॉमिक मास, नहीं गलती हो गया, ठीक है मेरे से गलती हो गया, चलो चलो कोई नहीं, हमको लगा ये है ए दोनों मैच कर गया ना, एटॉमिक मास और एक्टिव मास, इसीलिए इससे ज्यादा हम नहीं देखा था, लेकिन आप लोगों को पढ़ना आराम से कि एक्टिव मास लिख रहा है या एटॉमिक मास लिख रहा है, एक्चुअल में ये किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के या एक्टिव मास के, एक्टिव मास के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये बताना है कि कौन किसके बराबर होगा। बाबू सबसे पहले ये जान ले, ये अल्फा जो बताता है वो बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे लंबी चल सकती है, लेकिन मैं अगर शॉर्ट में आपसे कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि अल्फा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसमें बहुत सारे डेरिवेशन दिए गए हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप टाइम निकाल लो टी हाफ, तो आप इसे लिखोगे 2.303 बाय के, क्योंकि अभी आपने सॉल्व किया, सॉल्व इसलिए किया क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस वाले आ चुके थे, लेकिन जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन अभी नहीं पूछा इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको भी मैं बता देता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू, ऐसे केस में हो जाएगा गाइज आर माइनस क्या, आर नॉट डिवाइडेड बाय के। ये किसका, ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये भी डेरिवेशन है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, लेकिन किसके लिए, ये है गाइस जीरो ऑर्डर के लिए, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो आप जान ही रहे हो क्योंकि अभी आपने निकाला भी है क्या, फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये जीरो ऑर्डर का। अब आते हैं गाइस, अगर हम जीरो ऑर्डर पे बात कर रहे हैं तो कहता है आर माइनस आर नॉट, आर क्या है, आर इज द कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन लेफ्ट करके जो बचा हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन, मान के चलो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगा तो लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना बचेगा 50, और ये 50 कौन है R, और ये 100 कौन है R नॉट, जितना भी इनिशियल ये रहा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट उसका हाफ हो जाएगा किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए, तो R इज इक्वल टू हम कह सकते हैं R नॉट डिवाइडेड बाय 2। इस डेरिवेशन में जैसे मैं ये पुटअप करता हूं तो आपका बन के आ जाता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज R माइनस क्या R नॉट डिवाइडेड by guys 2 by k, ठीक है। ये एक्चुअल में यहां पर एक चीज गड़बड़ा गया, वो ये हो गया कि इनिशियल से फाइनल घटेगा ना, ये फाइनल से इनिशियल घटा दिए, तो यहां पे दो जगह पे करेक्शन कर लेंगे और वो करेक्शन होगा R नॉट माइनस R डिवाइडेड by k, तो सेम चीज यहां पे पुटअप करेंगे जो हो जाएगा R नॉट माइनस R नॉट by k, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 होगा ऊपर से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 बाई 2 बाई क्या हो जाएगा गाइस के, और जैसे हम उसको घटाते हैं तो हमारे पास बचता है कौन, हमारे पास यहाँ पे जगह ही नहीं है, चलिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड आप हट जाइए फर्स्ट ऑर्डर वाले क्योंकि आपके जीरो ऑर्डर का काम है। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, टी हाफ के बारे में, टी हाफ यहां पे भी छूट गया, तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में, ये बन जाएगा आर नॉट, क्योंकि बेटा 2 माइनस 1 आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, 2 नीचे से जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के। आप देखो इस केस में सिंपल आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, और बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा,
तो बच्चा इसी की जगह पे मैं इसको पुटअप कर दूं तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा, आंसर आपका हो जाएगा गाइज ए, क्लियर है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का जस्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा इस आई बटन से, लेकिन अभी बना नहीं है, लेकिन जैसे बनेगा वो आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है, थैंक यू एंड बाय।